हेलो फ्रेंड्स, एएसपी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्लानिंग और इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना अवकाश काल रहा है अर्थात 1951 से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट है, तो इस अवधि में जो हमें ऑप्शन दे रखे उनमें से कौन सा ऐसा काल रहा है जिसमें योजना नहीं चली थी। 1966 से 69, सेकेंड ऑप्शन है 1951 से 56, थर्ड ऑप्शन है 1970 से 73 और फोर्थ है 1975 से 80। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1966 से 69। इस पीरियड में योजना नहीं चली थी, तो ये पीरियड कौन सा था, योजना अवकाश का। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी महल नोविस मॉडल पर, सेकंड ऑप्शन है डॉमर मॉडल पर, थर्ड है कीन्स मॉडल पर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉमर मॉडल पर अर्थात बी ऑप्शन। महल जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वो थी महल नोविस मॉडल पर आधारित और फर्स्ट किस पर थी, डॉमर मॉडल पर आधारित। थर्ड क्वेश्चन है, 12th 5-year प्लान का प्राथमिक उद्देश्य था, तो 12th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, उद्देश्य कौन कौन से थे इसके, व्यापक तथा समावेशी विकास की अवधारणा, रोजगार, ऊर्जा तथा सामाजिक अधोसंरचना का विकास, थर्ड तीव्र एवं अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि और फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास एवं सतत वृद्धि क्या था इसका 12th 5-year प्लान का प्राथमिक उद्देश्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि है या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार का माप, थर्ड है ए तथा बी दोनों, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन है क्या, आर्थिक समृद्धि। बी ऑप्शन है ये क्या है, आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि वो आर्थिक विकास का एक पार्ट है, आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक कथन है जबकि जो आर्थिक विकास है वो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक कथन भी है। तो इसको आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक चरों में परिमाणात्मक परिवर्तन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्फीति का अंतराल इन्फ्लेशनरी गैप की धारणा का प्रतिपादन किसने किया, फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीडमैन, सेकंड है एजवर्थ, थर्ड है मार्शल, फोर्थ है कीन्स। तो इसका आंसर क्या होगा, कीन्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत या बेमेल बताइए, आय स्फीति की धारणा का प्रतिपादन गार्डनर एक्ले ने किया है, क्षेत्रीय विवर्तन स्फीति की धारणा का प्रतिपादन चार्ल्स सुल्ज ने किया है, अधिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन का प्रतिपादन केगन ने किया है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है, तीनों ही क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा स्फीति में विपरीत संबंध को, बेरोजगारी की दर तथा आर्थिक वृद्धि में विपरीत संबंध को, मुद्रा स्फीति तथा आर्थिक वृद्धि में विपरीत संबंध को, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, फिलिप्स वक्र वो बेरोजगारी की दर तथा मुद्रा स्फीति में विपरीत संबंध को दर्शाता है, अर्थात जैसे जैसे मुद्रा स्फीति बढ़ेगी वैसे वैसे बेरोजगारी कम होगी और जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे मुद्रास्फीति कम होगी, तो इसमें विपरीत संबंध को दिखाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, 5 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 7 अगस्त 1952, 8 अगस्त 1952। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 अगस्त 1952। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया, फर्स्ट ऑप्शन है गुरनार मिडल, सेकंड है सुखमय चक्रवर्ती, थर्ड है पंडित जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ है एम विश्वेश्वरैया। तो आंसर क्या होगा, गुरनार मिडल। रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1951 से 2017 तक की पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य क्रम कितनी बार अवरुद्ध हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो पहला क्वेश्चन एक तो कंफर्म था ही, हमारा पहला क्वेश्चन है 1966 से 69 के बीच में, दूसरी बार हुआ था 1979 से 1980 के बीच में और थर्ड हुआ था 1990 से 92 के बीच में। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं का
योजनाओं का सामान्य क्रम था वो कितनी बार अवरुद्ध हुआ था? 3 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? जेएम कीन्स, महलनोबिस, मार्शल एम विश्वेश्वरैया। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? पहला है प्रजनन दर को प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक लाना, कृषि में 4% की वृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि दर, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात ये तीनों ही लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।